आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एसएन मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में इन दिनों रक्तदाताओं की कमी के चलते ब्लड की कमी होती जा रही है। ऐसे में ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर नीतू चौहान ने लोगों से रक्तदान करने की अपील की है। जी बिल्कुल, कोरोना का संक्रमण इस लेवल तक पहुंच चुका है कि डॉक्टर्स भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज के काफ़ी सारे डॉक्टर्स संक्रमित हो चुके हैं, बट मैं उम्मीद करती हूं कि जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो इस बात को समझे कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी कोरोना का इफ़ेक्ट बढ़ रहा है। और वो जो लोग मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, भीड़ वाले स्थानों पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं हम डॉक्टर्स के सामने भी, कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। मेरी जनता से अपील रहेगी कि बढ़ते हुए केसेस को देखकर अपनी जान की सुरक्षा के लिए और मेडिकल स्टाफ की जिस हिसाब से हमारे यहाँ कमी होने लगी है उसको देखते हुए प्रॉपर सैनिटाइजेशन का, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का तथा मास्क का उपयोग ज़रूर करें। जी बिल्कुल, प्लाज्मा थेरेपी पर ट्रायल शुरू हो चुका था हमारा 9 जुलाई को, और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से कि प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के जो हमारे फर्स्ट कैंडिडेट थे दीपक जी, आज यहाँ पर प्लाज्मा अपना डोनेट करने के लिए आए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने आगे आकर खुद मरीजों के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए हम लोगों से संपर्क किया।